हमने फोन कर दिया कुत्ते को ले जाने के लिए। आपका नाम क्या है? अर्जुन शर्मा। आप क्या लगते हैं? क्या क्या डॉग घर का? आपका ही डॉग है? नहीं, बीच वाले भाई ने रखा हुआ है। तो अभी फोन किया बीच वाले भाई ने उसको ले जाने के लिए। वो ट्रेन पर बच्ची का इलाज तो हो जाए, तुम कुत्ते के पीछे पड़ गए हो, उसको हम भेज देंगे। नहीं तो हम अकेले नहीं पड़े हैं, पब्लिक वो तो चलो हम भेजेंगे। हम मना नहीं कर रहे। ये छोटे छोटे बच्चे, इसको अगली बार काट ले तो। मानता हूँ भैया, मैं भेजने के लिए बोल दिया मैंने। बच्ची का इलाज तो देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। कल आपका नाम किया था? कॉल आपने अभी किया? अभी भाई से बात किया है। हाँ जी। कहाँ से लेकर आए थे? आज चला जाएगा यहाँ से? आज ही चला जाएगा? कब लेकर आए थे? पक्की बात है जी। कब लेकर आए? एक साल हुआ है जी। एक साल हो गया तो पहले भी काटा है? पहले बच्चा जब कोई चिल्लाता है ना तभी काटता है। जब कोई चिल्लाता है तभी काटता है, ऐसे नहीं काटता वो। तो उसके मुंह पर मास्क रखना चाहिए ना हमेशा? होता है तो जब माही को काटा तब भी था? नहीं, सुनो, हम नहीं थे घर पे, नहीं थे हम घर पे। नहीं भाई, मेरे भाई सुनो, इधर सुनो, तुम्हारे हिसाब से ऐसा कुत्ता जो इतना खतरनाक हो नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर क्यों रखा? तुम्हें भी काट सकता है कि नहीं काट सकता? तुम्हारी वाली घटना याद है? जिम की इसकी मम्मी ने पहले बोला है कि ये लड़के यहाँ ऊपर खेलते हैं और हमारी बहू के सिर में दर्द होता है, हम कुत्ता छोड़ देंगे। हम ये कुत्ता जानबूझ के छोड़ा है जी इन्होंने, जानबूझ के छोड़ा है जी। पहले कभी ऐसा बोला है? पहले कभी ऐसा बोला है कि कुत्ता छोड़ देंगे? नहीं नहीं है? पता है क्या, इसके पूरी वाइफ है प्रेग्नेंट। सुनो, गेट बंद कर दो, वो आ जाए क्या पता, मतलब तुम्हें एक चीज बोल रहे हैं, कुत्ता हटा दो वरना FIR ऐसी दर्ज हो जाएगी कल को सारे तो दिया सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर बोल दिया, बोल दिया, कुत्ते को हटा दो यार। जान का डर सभी को होता है, आप लोगों को भी होगा। सभी को होता है, अभी बोल दिया कॉल करके अभी ले जाएंगे। कितने साल का है वो फिलहाल? अभी 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। मास्क तो होना चाहिए था ना, हमेशा के लिए होना चाहिए। वो बच्ची बार बार छत पे आ रही थी, मम्मी ने मना भी किया था कि मत आओ। मम्मी ने बकायदा ये भी बोला था कि अभी बच्चे हैं, वो तो खेलेंगे। सुनो तो सर, बच्चे है ना, खेलेंगे। आप खेले हो बचपन में? सब खेलते हैं। मम्मी ने मना किया कि भाई कुत्ता खोल रही हूँ, वो बाथरूम करने आएगा ऊपर। काफी टाइम का बंधा हुआ था, 11 बजे का बंधा हुआ था। तो मम्मी ने तभी बोला कि मैं खोल रही हूँ, तो लड़की तब भी नहीं गई वो छत से। कम बच्चों को देखो ऊपर आया नहीं है भाई। कुत्ता अगर पालने का शौक है, कुत्ते में नहीं है, लेकिन ऐसा कुत्ता पालो जो कम से कम जो है किसी को काटे ना, क्योंकि ऐसी नेचर के कुत्ते भी होते हैं, पिटबुल सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। अलाउ नहीं है, सरकार का गैर कानूनी है। रहते हैं फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? मेरा भाई है, मेरे घर में कुत्ता पालता है, तो मैंने ही तो पाला है। मेरे भाई से अलग थोड़ी ना वो कुत्ता। कैसी बात कर रहे हो आप? आप इस घर में नहीं रहते तो बताओ। कल तक तो ये भी मेरे भाई ने बोला है, लेकिन एक बात और कह दिया, फोन करके ले जाएंगे। कुत्ता ले जाएगा कहाँ? ले जाएगा, कौन ले जाएगा? हो सकता है किसी दोस्त। नहीं, हम तो चले जाएंगे, कुत्ता चला जाएगा, हम भी चला जाएगा। आज चला जाएगा, दोस्त के घर छोड़ दोगे? कहाँ छोड़ोगे? कमेटी वालों को छोड़ोगे ना? कल तक तो यही बोल रहे थे हम, कुत्ता यही रखेंगे, जितने जो करना कर लो, जिसने जो बात बोली है कुत्ता यही रहेगा, जो करना है कर लो। बोला जी, बोला बिल्कुल। वो तो शुरू में बोला था जब आए भी नहीं थे हम। शुरू में चार बजे बच्चे को काटा, शुरू में बोला बच्चे काटा, जब हम यहाँ नहीं आए तो तब बोला। अरे भैया कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल बोला। पहले कितनी बार काटा? जिस टाइम मैं हॉस्पिटल लेकर गया ना, पीछे इनकी मम्मी ने, इन्होंने पता क्या बोला कि कुत्ता तो यही रहेगा, जितने जो करना है कर लो। पहले कितनी बार कुत्ता ये काटा? पिटबुल डॉग है, नाम ही खतरनाक है उसका। पहली बार वहाँ काटा हुआ जहाँ किराए पे रहते थे हम, दूसरी बार अपने में काट लिया। एग्जांपल के तौर पे एक ही बात बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कुत्ता काटा है माही को, और अब कह रहे हैं कुत्ते के मालिक कि जल्द से जल्द इस कुत्ते को यहाँ से हम भेज देंगे। तमाम परिवार के लोग चाहते हैं, पड़ोस के लोग चाहते हैं कि कुत्ता यहाँ से जल्द चला जाए, ताकि और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जिंदगी एकदम सुरक्षित यहाँ पर रहे, क्योंकि डर रहता है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और वो कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। यूपी का वाक्य याद होगा, महिला की मौत हो गई थी। ऐसे तमाम और वाक्य याद होंगे जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और माही का चेहरा पूरी तरह से जो है जख्म है, और उसका वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तमाम बच्चे हैं जो करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 2 में रहते हैं, और इधर आप देखेंगे पड़ोसी हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो पिटबुल डॉग यहां से कब जाएगा, जिसने माही को काट लिया।
9 साल की माही जो छत पर खेल रही थी उसे पिटबुल डॉग काट लेता है। और जब हमने इस खबर को दिखाते हैं तो हमारे पास कई फोन आते हैं कि हमारे पड़ोस में भी इस तरीके से पिटबुल डॉग को पाला जा रहा है। और प्रशासन से अपील है कि उन तमाम स्थानों को खोजा जाए जहां पर पिटबुल डॉग पाला जा रहा है और उन पिटबुल डॉग को वहां से हटाया जाए, क्योंकि लोग काफी डर के साए में जी रहे हैं। छोटे बच्चों से भी बात करेंगे, माही के पिता से एक बार बात कर लेते हैं। कभी पहले आपने शिकायत की इस बात की कि इस डॉग को यहां से हटा दें क्योंकि खतरनाक डॉग है, पाल भी नहीं सकते उस डॉग को? हाँ, पूरी गली इकट्ठा हुई है जी, कई बार इनको बोला है कि यहाँ से हटा दो इसको, तो ये आगे से मतलब बदतमीजी से बात करते हैं जी, कोई कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं करते जी। और पहले भी एक बच्चे को काटा था इसने और अब दूसरी बार हुआ है जी। पहले भी इसने काटा हुआ है? हाँ, पहले भी काटा है जी एक बच्चे को, तो अब दूसरी बार हुआ है और अब भी कोई सही से बात नहीं कर रहे जी, मतलब पूरी। आप कहाँ गए हुए थे, क्या पता चला था आपको? मेरा खेती बाड़ी का काम है जी, मैं गाँव गया हुआ था तो वहाँ पे मेरी मिसेज का फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं एकदम वहाँ से वापिस आया जी और देखा तो बच्चे का ज्यादा बुरा हाल था। फिलहाल कैसी हालत है उसकी? बिल्कुल नाजुक हालत है जी। ऑपरेशन चल रहा है जी अभी। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहीं पे रहते हो बेटा, माही के साथ आप भी खेलते थे? नहीं जी, हम तो यहीं रहते हैं, पर हमारा कहना है जी कुत्ते को हटाओ यहाँ से, आज इनको काट ले कल हमारे को भी काट सकता है जी। पहले भी काटा है बच्चों? पहले भी एक अफसर की लड़की को काट रहे थे, उन्होंने इन पे केस कर दिया था। हाँ। और अब एक छोटे से बच्चे को भी काट लिया था। हाँ। क्या नाम था? सोमी नाम था जिनका। अच्छा, उनके यहाँ पे काट लिया जी। अच्छा, इसी कुत्ते ने? हाँ जी। और अब माही को भी काटा है? इस बार माही को काट लिया जी। देखा था आपने जब माही की हालत काफी खराब, उस टाइम हम स्कूल गए थे सर जी, उन्होंने बताया था, हमने तो फोन पे देखा था जी। अच्छा, तो आप चाहते हैं डॉग यहाँ से? यहाँ से भाई, अभी तो उसको काटा है, क्या हफ्ता हमको भी काट ले। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी अपील कर रहे हैं कि पिटबुल डॉग को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। आंटी जी, आप भी यहीं पर रहते हैं? ऐसा है जी सर, मैं ऊपर ही थी छत पे जी, वो लड़की जब आई है ना खेल रही थी जी ऊपर अपनी जी, तो इनकी छत पे ना बुढ़िया बैठी हुई थी इनकी, वो धूप सेक रही थी, उसने बुढ़िया ने उसको लड़की को आवाज मारी है, पहले वो बतलाए हैं दोनों, फिर वो लड़की टप के जैसे आई है ना बुढ़िया के पास सर, एकदम उसने झपटा पा लिया कुत्ते ने, वो लड़की नीचे घेर ली, बुढ़िया ने बेचारी ने बहुत कोशिश करी बचाने की, फिर मैंने वहां से आवाजें मारी है भी, मैंने कहा ये देखो जी, मैंने कहा कुत्ता खा गया लड़की खा गया, बहुत आवाजें मारी मैंने, फिर जो मालकिनी है वो भी भाग के ऊपर गई है, फिर उसने वो भी उसके ऊपर गिर गई है, बड़ी मुश्किल से मतलब वो लड़की बचाई इन्होंने, जब वो लड़की निकली है ना नीचे से कुत्ते के, तो उसका सारा फेस खूनम खून दसा हुआ, ये शुक्र है लड़की इधर से नहीं टपी तो नीचे गिर जाती, वो तो दीवार टपके अपने उधर से भागी है। आप समझ सकते हैं, एक 9 साल की बच्ची जो छोटी सी है और कोमल बच्ची, नाजुक बच्ची, और उसके बावजूद ये जो पिटबुल डॉग है वो काट लेता है, और अभी भी इसी घर के अंदर वो पिटबुल डॉग है। आप ही भैया हॉस्पिटल लेकर गए थे? हाँ, मैं ही लेकर गया था हॉस्पिटल, तो ये तो एकदम शोर मचा यहाँ से पीछे से, शुक्र लड़की वहां से निकली, अगर ऊपर से टप जाती तो नीचे गिर जाती लड़की, हाँ तो लड़की ने खत्म हो जाना था, तो वो जिस टप आई थी ना वो, तो पूरा यहाँ से फेस कटा हुआ सारा कुछ, तो बिल्कुल खून खून की हालत में थी बिल्कुल, और लड़की बहुत देर तक तड़पती रही थी, बहुत देर हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत देर वो यही कह रही थी मेरा कान में दर्द हो रही, कान में दर्द, फिर कान पूरा लटक गया था और यहाँ से पूरा निशान था। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो डर के साए में जी रहे हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं, बेटा आप भी माही के साथ खेलते वगैरह हो? हाँ जी। क्या पता चला था आपको? मैंने पलक के घर जा रही थी तो ना, फिर ना वहाँ से देखा था कि भी उसे कुत्ता चिपट रखा है जी, इसलिए तो फिर देखती रह गई मैं, उसको कुत्ता चीख मार रही थी वो बहुत ज्यादा, तो फिर आंटी आई नीचे से, उसने छुड़वाया था आंटी ने, फिर पहले भी और बच्चों को भी काटा है वो वाला डॉग? हाँ जी, वो वहाँ पे किराए पे रहते थे ना, तो वहाँ पे भी काटा था उनको, एक बार उनके घर में गेस्ट आ रखे थे ना, तो उन्हें भी काटा था। तो आप देख सकते हैं तमाम पड़ोसी हैं जो इस बात को रख रहे हैं, क्या कुछ अपील करेंगे, पिटबुल डॉग को यहाँ से हटाया जाए? हाँ भैया, इसको यहाँ से हटाना चाहिए, सब बच्चों को खतरा और बड़ों को भी खतरा है यहाँ पे, इसको यहाँ से निकालना ही चाहिए, कुत्ते को यहाँ नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर है तो हमारे को तो डर है, अपने बच्चों का भी, अपनों को अपना भी डर है, हमारे को छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब इस डॉग को तो यहाँ रखना गलत है ना। माही की हालत भी काफी नाजुक, बहुत ज्यादा गंभीर है। हाँ जी, बहुत ज्यादा, उसकी तो बेचारी की लाइफ खराब होगी,
तो भैया हमारी यही अपील है कि इसको कुत्ते को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या अपील करेंगे आंटी जी आप? अपील यही है भैया, इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। अगर कुत्ते को नहीं हटाते इन मालिकों को यहाँ से हटा दो, सबसे बड़ी बात यह है। अगर जो कोई नहीं मानता तो पता लड़की की कितनी नाजुकता है, उसकी जिंदगी खराब होगी। लड़की है वो, सारी जिंदगी का खेल है उसका। आप सोचो 9 साल की लड़की का यह हाल है, जिसकी सर्जरी होगी तो कैसे जिएगी वो। बच्चे हमारे भी हैं छोटे छोटे सबके, वो भी हमारी है, वो भी हमारी बेटी है। जो किराए पे है या अपना मकान है, सबके इतने इतने इतने, मेरे भी पोता पोती इतने इतने छोटे। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो पड़ोसी हैं उनकी एक अपील है। और जब हमने कल खबर दिखाई तो उसके बाद अलग अलग जगहों से फोन आया कि हमारी गली के अंदर भी इस तरीके से जो पड़ोसी हैं वो पिटबुल डॉग को पाल रहे हैं। प्रशासन से अपील है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स को खोजा जाए, निकाला जाए कि जहां पर पिटबुल डॉग पाले जा रहे हैं, और वहां से पिटबुल डॉग को हटाया जाए। हालांकि यूपी में कानून जरूर बनाया गया कि जो अगर डॉग काट लेता है तो उसका फाइन उसका मालिक भरेगा, और साथ ही साथ और भी तमाम कानून बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार भी उस पर काम कर रही है, लेकिन पिटबुल डॉग पालना गैर कानूनी है, और रेजिडेंशियल इलाके में तो उसे बिल्कुल भी नहीं पाल सकते, क्योंकि वो काफी खतरनाक होता है, शिकारी की तरह होता है। अगर किसी को वो जकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। आपने देखा तस्वीरों में माही की क्या हालत है, 9 साल की मासूम बच्ची है, बिल्कुल कोमल बच्ची है, और ऐसे में एक खतरनाक डॉग पिटबुल वो अगर काट ले तो फिर हालत कितनी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जख्म काफी गहरा है, सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होनी है, ऑपरेशन होना है। महिलाएं इधर रहती हैं, इसी घर के अंदर डॉग है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एग्जाम का समय चल रहा है, और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है, क्योंकि आम जनता तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि पिटबुल डॉग को यहां से हटाया जाए, जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें, डर के साए में ना जिए। क्योंकि ये भी बताया गया है कि इससे पहले भी एक दो बार यही वाला पिटबुल डॉग काट चुका है, और हमने देखा है कई खबरें जब पिटबुल डॉग संभलता नहीं है लोगों से तो वो सड़क पर छोड़ देते हैं, जो बाजार में लोग हैं उनके लिए वो डॉग खतरा बन जाता है। तो ऐसे में रेजिडेंशियल इलाके में तो बिल्कुल भी पिटबुल डॉग नहीं होना चाहिए। लोग भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि उससे डर के साए में लोग जीते हैं, उनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है, और ऐसे में प्रशासन अब क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।